टीकमगढ़ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्टाफ नर्स अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं। नर्सों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी नर्सों ने बताया कि कई बार शासन को उनकी मांगों से अवगत कराया गया, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और न ही अब तक नर्सों के हित में कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि पूरे कोरोना काल में स्टाफ नर्स का काम फ्रंटलाइन वर्कर से कहीं ज्यादा रहा है। अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने इस संकट की घड़ी में कोरोना पीड़ितों की सेवा की। इस दौरान कई नर्सों ने अपनी जान भी गंवाई, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की उदासीनता की वजह से आज उन्हें फिर से अपने कार्य छोड़कर धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। नर्सों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें अन्य राज्यों की तरह सेकंड ग्रेड वेतन दिया जाए, जो नर्सेज अभी अस्थायी तौर पर कार्य कर रही है। 12 सूत्रीय मांगे जो इस प्रकार है, मुख्य मांगे, सबसे पहले तो नर्सेज को समय कार्य समान वेतन दिया जाए अन्य राज्यों की भांति। हम लोगों की जो सालों से प्रमोशन अटके हुए हैं वो किए जाए, उसका समय मान वेतन मान समय से दिया जाए। हम लोगों को सेकंड ग्रेड पे का लाभ दिया जाए और नर्सेज का पदनाम बदल के नर्सिंग ऑफिसर किया जाए। मुख्य मांगे तो अभी यही है, पेंशन चालू की जाए, इसके बाद पुरानी पेंशन योजना चालू की जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।